राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा उसका वीडियो वायरल करने की घटना सामने आई है। घटना के 26 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में जरा भी तत्परता नहीं बरती, यहां तक कि एसपी मनीष कुमार के यहां आवेदन देने के बावजूद प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई। हालांकि मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो प्राथमिकी दर्ज हो गई है। सुनिए पीड़िता ने क्या कहा। चंडीगढ़ में कोई नहीं थे, जैसे के गांव के गोविंद धमन देवर के नाते हर सामान दवाई बीरो कुल साग सब्जी दवाई कुल लियावत रहल हन। तो हमसे कहलन कि भाभी से हमके पैसा दे, पैसा के जरूरत बा ना ही टोला परोसा के हमन गांव घर के। तो हम कहनी कि ठीक बा, उनके कले कले कह के हम 1.5 लाख रुपया दे दिहनी। तो हम कहनी कि गोविंद हमार पैसा द, इतना दिन हम छोड़ देनी ना। तो कहतना कि ठीक बा, हमके 2 दिन के समय द। तो फिर 30 तारीख के हमके बोलावलन सीमान में कि घर से बाहर आवा, हम सीमान में बानी। तो हम सीमान में गोइनी तो कहतना कितना धूप भइल बा, ठंडा पी लो। ठंडा हम पियनी, हमारा कुछ देर के बाद चक्कर जैसे आवे लागल। तो फोन कैलन कि ए जादो जी आई, पैसा मांगती है। हाँ, हमारा थोड़ा बहुत चक्कर जैसे आवे लागल, थोड़ा बहुत होश रहे। तो 3-4 गो करिए कपड़ा से मुंह बांध के आदमी आई। हाँ, बाद हमारे होश आये, हम हॉस्पिटल में रही। हाँ, मुंह बांध के आये तो हमके लागल कि नहीं हमके रेप करत रह। अच्छा। हाँ, हम बेहोश हो गए, हमारा होश नहीं थे। हम हॉस्पिटल में होश भल, हॉस्पिटल में रही। पुलिस एफआईआर केलस कि नहीं एकरा मामला? पुलिस देखी, हमारे गोविंद के विरोध हमारे पति आवेदन धेलन कोर्ट में, अथी थाना में। तो थाना उल्टे हमनिये के मियाँ बीबी के और सास के थाना में बंद करके रात भर रख दिलन। अच्छा। हमके 4 बजे भोर में दरोगा छुट्टी कैले बा कि जा तू अपने माई के। 4 बजे भोर में छुट्टी कैले बा, हम चल गई अपने गाँव में नहीं कर। हाँ, पति के बाद में छोड़ल सन। पति के छोड़ला के बाद भी गोविंद के छोड़ले बरतन। तो गोविंद जाके गाँव में खूब पार्टी मनौले बसन चौकीदार के संग रह के। पुलिस कार्रवाई ना कैलस, खुद पुलिस घुस ले तो कार्रवाई का करी। मीडिया के माध्यम से मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज हुई है। SDPO धीरज कुमार ने बताया कि उसमें सर क्या प्राथमिकी वगैरह दर्ज, प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला है राजपुर की, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि एक व्यक्ति जिनको उन्होंने कुछ पैसे दे रखे थे, गांव के ही उनके कुछ संबंधी लगते हैं दूर के, तो पैसे मांगने पर जब ये गई तो उनके उनको नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। उसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। इस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। महिला का भी 164 का बयान कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पति बाहर थे इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, ऐसा बात प्रकाश में आया है कि उनके पति बाहर में रह के काम करते हैं। आवेदन में ही, प्राथमिकी के आवेदन में ही ये बात आई है, उनके पति बाहर रहते हैं, जिस कारण से घर के जो भी चीज़ सामान उमान या कुछ छोटे मोटे दवाई इलाज के लिए महिला जो है वो इस व्यक्ति से संपर्क करती थी, जिस क्रम में उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए थे, और उसी पैसे को मांगने जब हो गई तो उनके साथ ये घटना कारित करने की बात आई है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले के आरोपित कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।